सूरत ने एक खानगी कंपनी है तेमनी कंपनी में काम करती महिलाओं माटे एक अनोखी रजा पॉलिसी बहार पाड़ी छे। सूरत नी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती महिला कर्मचारी माटे वर्ष नी 12 पीरियड लीव आपवानी जाहेरात करी छे। आ प्रकार नी कंपनी द्वारा पोताना महिला कर्मचारी ने करायेली रजा नी जाहेरात गुजरात में प्रथम वक्त जोवा सामे आवी छे। तो महिला कर्मचारी में पण आ प्रकार नी कंपनी ना निर्णय थी खुशी जोवा मळी रही छे। महिलाओं माटे दर महीने आवता पीरियडना 5 दिवस खूब ज कठिन अने मुश्किली भर्या होय छे। तेमा पण महिलाने पीरियडना प्रथम दिवसे खूब ज मुश्किली थती होय छे, परंतु ते आ वात ज्यारे महिला नौकरी करती होय छे त्यारे ऑफिस स्टाफमां कोईने कही शकती नथी अने आ वात मात्र महिलाओ ज समजी शकती होय छे। त्यारे सूरतनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनीए समजी छे। मोटी वात तो ए छे के आ कंपनीना मालिक एक पुरुष छे અને પુરુષ થઈને મહિલાઓની આવી સમસ્યા સમજી છે। આ ડિજિટલ કંપનીના માલિક શેઠ દ્વારા મહિલાઓ માટે એવી પોલિસી બહાર પાડી છે જે બીજી નાની અને મોટી તમામ કંપનીઓ માટે ઉદાહરણ બની રહી છે। કંપનીના માલિક દ્વારા તેમની કંપનીમાં કામ કરતી તમામ મહિલા માટે વિશેષ પીરિયડ લીવ પોલિસી જાહેર કરી છે। મહિલાઓ માટે વર્ષની 12 પીરિયડ લીવ આપવાની જાહેરાત કરી છે। जी आई अपने डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हम कंपनी गुजरात के अंदर चला रहे हैं और पिछले महीने हम लोगों ने पूरे साल के अंदर 12 पेड लीव का हमने प्रावधान दिया है और इसके मुताबिक कोई भी महिला कर्मचारी जो हमारे यहाँ पर काम करती है पूरे साल के अंदर 12 छुट्टियाँ ले सकती है और उसके लिए कंपनी उनको पे भी करेगा। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत ही क्लियर था। हम ये मानते हैं कि जो फीमेल की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है खास करके पीरियड के टाइम पर उसको हर कंपनी को समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ सोची थी कि हम इस तरीके से लीव का प्रावधान रखते हैं। अगर उनको आधे दिन लीव चाहिए तो वो ले सकते हैं आधे दिन की छुट्टी, अगर उनको घर से काम करना वर्क फ्रॉम होम तो वो भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत ही सराहा है और उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और जो हमारी जो कर्मचारी है वो तो स्वाभाविक तौर से बहुत ही खुश है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बात वो नॉर्मली बता नहीं सकती थी, लेकिन जब से ये पॉलिसी हमने डिक्लेयर किया है तब से उनको लगता है कि अब हम आराम से ये बात भी कह सकते हैं और अब छुट्टी के लिए भी बोल सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा असर होगा और जो भी कंपनियाँ छोटी हो या बड़ी, ज़्यादा हो या कम, जहाँ पर भी फीमेल काम करते हैं वहाँ पर ऐसी या इसी तरह की कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अरविंद राठौड़, ABC न्यूज़ गुजरात, सूरत।